नमस्कार दोस्तों, हर षष्ठी व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हल छठ, हर छठ, कंवर छठ, ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन षष्ठी माता की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी से ठीक दो दिन पहले मनाए जाने वाले हल छठ व्रत को श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी की जयंती के रूप में भी माना जाता है। बलराम, जिन्हें बलभद्र या बलदाऊ के नाम से भी जाना जाता है, वो शेषनाग के अवतार थे। उन्हें हल मूसल से खास प्रेम था, यही उनके अस्त्र भी थे। इसे किसानों के त्योहार के रूप में भी देखा जाता है। जब कंस को पता चला कि देवकी और वासुदेव की संतान उसका वध करेगी, उसके मृत्यु का कारण बनेगी, तो वो देवकी और वासुदेव को कारागार में डलवा दिया। नारद जी की मदद से देवकी के सातवें संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वो संतान कंस के क्रोध से बच जाए। उधर षष्ठी के दिन बलराम जी का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से आठवें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। कहते हैं देवकी के षष्ठी माता का व्रत करने से दोनों पुत्र की रक्षा हुई, इसलिए यह व्रत सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए करती हैं। जिन्हें संतान नहीं है, वे भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया करते हैं। इस दिन दिन भर उपवास रहकर माताएं मध्याह्न में हल षष्ठी देवी की पूजा करती हैं, बिना हल चले या जोते बोए चीज़ों का सेवन करती हैं, जैसे पत्थर चावल, मुनगा भाजी या सहजन की भाजी, महुआ और भैंस के दूध, दही, घी का उपयोग करती हैं। एक छोटा सा नकली तालाब बनाकर उसमें उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, पसर चावल और मुनगा भाजी बनाने की रेसिपी हम फनफूडिया चैनल में आपको दिखाएंगे, वहाँ ज़रूर देखिएगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हल षष्ठी माता की। जय श्री कृष्ण।